अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अमिताभ बच्चन के कोरोना से संक्रमित होने पर शाहिद अफरीदी ने क्या बोले, जानिए इस वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो प्यारे दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि दिल से वीडियो को लाइक करके पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फो न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों कोरोना वायरस की चपेट में पूरा बच्चन परिवार आ गया है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन के बाद अब ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या भी कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। इन चारों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। बच्चन परिवार के कोरोना से प्रभावित होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेटरों ने भी ट्वीट कर अमिताभ बच्चन के जल्द ठीक होने की कामना की है। पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने भी ट्वीट कर बच्चन परिवार के कुशल होने की शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि अफरीदी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि मेरी शुभकामनाएं हैं अमिताभ बच्चन और अभिषेक को, उम्मीद कर रहा हूं कि आप जल्द से जल्द इससे ठीक हो जाएंगे। वही दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिन पहले खुद अफरीदी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। अफरीदी का पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ गया था। वैसे कुछ दिनों के बाद ही अफरीदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अब उनके परिवार का हर एक सदस्य का कोरोना टेस्ट नेगेटिव है। तो प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप भी कहीं भी जाए तो उससे सावधान रहे और बाहर बहुत ही ज़रूरत पड़े तभी निकले, नहीं तो अपने घरों में रहे और सेफ रहे और अपने बच्चों को और पूरे परिवार को सेफ रखे। हमेशा सैनिटाइज और साबुन का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो घर में ही रहे, बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर जाए और अपने आसपास सफाई रखें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, बहुत दुख की बात है कि हमारे बॉलीवुड में इतने अच्छे एक्टर हैं इन और इनको भी हो गया। अल्लाह ताला से दुआ करें और हम भी दुआ करेंगे कि इन्हें अल्लाह पाक सब इनके परिवार को शिफा दे और जो भी ये बीमारी मुसीबतें आए हैं अल्लाह पाक इसे ख़त्म करे। तो आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।